फिर आप जाके तैयार हो, 10 मिनट में हम स्कूल के लिए निकल रहे हैं। चलो आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जाओ ऊपर चलो। चंपाश मैडम, ये सर एंटी क्लॉकवाइज क्यों चलते? मेरा मतलब इतने रूल्स, इतनी रेगुलेशंस, सॉरी टू से खुद को ही नहीं बल्कि अरहम समेत पूरे घर को ना एक रोबोट बना के रखा हुआ है उन्होंने। क्यों है ऐसे? बहराम के वालिद भी ऐसे ही थे, ये डिसिप्लिन उसको विरासत में मिला है। तो आपने एक साथ दो दो लोगों को कैसे भुगता? मेरा मतलब परेशानी हुई होगी ना। जो लोग कई दफा जबान के तल्ख और सख्त होते हैं ना, उनके दिल बहुत नरम होते हैं, और बहराम ऐसा ही है, मोम का दिल है उसका। तुम उसकी डांट को सीरियसली मत लेना, किसी बात का बुरा मत मनाना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सर की किसी बात का बुरा नहीं मानती। इनफैक्ट ये जो जिंदगी की छोटी मोटी तल्ख बातें होती है ना, मैं इनको सीरियसली लेती ही नहीं, वरना जिंदगी आपको सीरियसली लेना शुरू कर देती। बहुत अच्छा करती हो। जिंदगी में डिसिप्लिन अच्छा होता है, मगर ये मिस्टर परफेक्शनिस्ट को कौन समझाए?